तो अगर आप लोगों को कंफ्यूजन कि आप लोगों को मोटो जी 40 फ्यूजन लेना चाहिए या फिर आप लोगों को रेडमी नोट 10 लेना चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन से जज करने वाले हैं कौन सा फोन आपके लिए बेटर वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। सो हेलो सुल्तान, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपेरिजन करने वाले मोटो जी 40 फ्यूजन वर्सेस रेडमी नोट 10 एंड बताने वाला हूँ कि कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट फोन रहने वाला है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, सो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आप करते हैं उस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो अभी ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते अपने मोटो जी 40 फ्यूजन के डिस्प्ले एंड डिजाइन से। तो इधर आप लोगों को एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है, इधर आप लोगों को 6.8 इंच का फुल एचडी प्लस का आईपीएस पैनल मिलता है, इधर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, इधर आपको पंच होल मिलती है, जो आपको बैक मिलते हैं प्लास्टिक की मिलते हैं, एंड बैक साइड के अंदर आप लोगों को 3 कैमरे मिल जाते हैं। एंड रही बात डिजाइन की, तो मेरे को इस फोन का डिजाइन इतना कुछ पसंद नहीं आया जितना मेरे को रेडमी नोट 10 का पसंद आया। तो वहीं चलते अपने रेडमी नोट 10 के डिस्प्ले एंड डिजाइन की तरफ। तो इधर आप लोगों को एक कॉम्पैक्ट डिस्प्ले मिलती है, इधर आपको 6.43 इंच का फुल एचडी प्लस का सुपर एमलेड पैनल मिलता है, इधर आपको स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, इधर आपको पंच होल मिलती है, जो आपको बैक मिलती है प्लास्टिक की मिलती है, एंड बैक साइड के अंदर इधर आप लोगों को 4 कैमरे मिलते हैं। डिजाइन तो भाई आपको काफी ओपी मिल जाता है रेडमी नोट 10 सीरीज का, मतलब नोट 10, नोट 10 प्रो एंड नोट 10 प्रो मैक्स तीनों का आपको सेम ही डिजाइन मिलता है, एंड काफी ओपी डिजाइन आप लोगों को मिल जाते हैं, मतलब Redmi Note 10 सीरीज के पूरे के मतलब बढ़िया डिजाइन है। तो वहीं चलते कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर, शुरुआत करते अपने Moto G40 Fusion के साथ। तो इधर आपको बैक साइड के अंदर 3 कैमरे मिलते हैं, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, इधर आपको ऑटो फोकस का ऑप्शन मिलता है, जिस वजह से आप लोग इधर मैक्रो शॉट भी ले सकते हो 8 मेगापिक्सल से ही, प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए। बात की जैसे इधर आपको रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन मिलता है आपको 4K का मिल जाता है, एंड बात करते हैं सेल्फी की, तो इधर आप लोगों को 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। वहीं चलते अपने Redmi Note 10 की तरफ, तो इधर आपको बैक साइड के अंदर 4 कैमरे मिलते हैं, 48 मेगापिक्सल जो आपको सोनी का 582 का सेंसर मिलता है, प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट प्लस 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग के लिए, इधर भी आप लोग 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बात की जाए सेल्फी की, तो इधर आप लोगों को 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। वहीं चलते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपको मोटो के फोन के अंदर काफी तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है अपने प्राइस के हिसाब से। इधर आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 732G का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 8nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, 8nm का 618 का आपको GPU मिलता है। वहीं बात करते हैं अपने Redmi Note 10 की, तो इधर आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 678 का प्रोसेसर मिलता है, जो आपको 11nm का प्रोसेसर मिलता है, ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है, 8nm का 612 का आपको GPU मिलता है। तो वहीं चलते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ, शुरुआत करते हैं अपने मोटो जी 40 फ्यूजन के साथ। तो इधर आप लोगों को काफी सही बैटरी मिलती है, इधर आपको 6000mAh का बैटरी मिलता है, टाइप सी का पोर्ट फोन आपकी स्टैंडर्ड सी ही बोलूंगा मैं, चार्जिंग 20 वोट की चार्जिंग मतलब फास्ट है, मतलब ठीक है, ज्यादा भी फास्ट नहीं है, 20 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, एंड आपको 20 वोट का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। वहीं बात करते हैं अपने Redmi Note 10 की, तो उधर आप लोगों को 5000mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, फोन आपकी 33 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, एंड आपको इतना ही चार्जर यानी कि 33 वोट का ही चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है। बात करते हैं अपने Moto G40 Fusion के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो उधर आप लोगों को 3.5mm का जैक मिल जाता है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिलती है, UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, HDR10 का सपोर्ट मिलता है, फोन आपको थोड़ा सा मोटा मिलता है, इधर आपको 220 ग्राम्स का वेट मिलता है, एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा मोटा फोन भी मिलता है, इधर आपको 9.6mm की थिकनेस के साथ ये फोन मिलता है, इधर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, फोन आपको स्प्लैश प्रूफ मिल जाता है, स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है, वाइड वेल L1 मिल जाता है, कैमरा 2 MP मिल जाता है, बैक साइड के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, सारी बेसिक सेंसर मिल जाते हैं, NFC का सपोर्ट मिल जाता है, एंड इधर आप लोगों को कैरियर एग्रीगेशन भी मिल जाता है। तो वहीं बात करते अपने Redmi Note 10 के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो इधर भी आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, सारे सेंसर मिल जाते हैं, वाइड वेल L1 मिल जाता है, कैमरा 2 MP मिल जाता है, इधर आपको स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, आईआर ब्लास्टर मिल जाता है, 1100 नीट्स की इधर आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है, LPDDR4X आपको रैम टाइप मिल जाती है, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है, डेडिकेटेड स्टोरेज मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन मिल जाते हैं, एंड इधर आप लोगों को कैरियर एग्रीगेशन मिल जाता है। तो अगेन ये चीज काफी ज्यादा प्यारी होती है कि आपको दोनों ही फोन के अंदर कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिल जाता है। तो बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो अपने Moto G40 Fusion के अंदर आप लोगों को 4GB की रोम, 64GB की रोम मिलती है 14,000 के प्राइस पे, एंड अगर आप लोगों के पास है कार्ड ICICI बैंक का तो आप लोगों को 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड आपको ये फोन पड़ जाएगा 13,000 का। वहीं बात करते हैं अपने Redmi Note 10 की, तो इधर आप लोगों को 4GB की रोम, 64GB की रोम मिलती है 12,000 के प्राइस पे, एंड 6GB की रैम, 128GB की रोम मिलती है 14,000 के प्राइस पे। तो अभी मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकेशन वगैरह तो बता दिया, बट अब बात करते हैं कि भाई कौन सा फोन किस चीज के अंदर बाजी मार जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले एंड डिजाइन की, और डिस्प्ले एंड डिजाइन के अंदर भाई दोनों ही फोन के पास अपने अपने प्लस पॉइंट जाते हैं। जैसे कि आपको Redmi Note 10 के अंदर आपको कॉम्पैक्ट डिस्प्ले मिलते हैं, एंड उसी के साथ इधर आप लोगों को सुपर एमोलेड पैनल मिलता है, एंड काफी सारे लोग वो होते हैं जिनको IPS 120 के साथ उतना पसंद नहीं आता जितना उन्हें सुपर एमोलेड 60 के साथ भी पसंद आ जाता है। तो आप लोग मुझे बताओ कि आपको कौन सी कैटेगरी में आते हो, कि आपको IPS 120 चाहिए या फिर आप लोगों को सुपर एमोलेड भी चलेगा 60 हर्ट्ज के साथ। बाकी अपने को दोनों ही बढ़िया लगते हैं, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, मैं मतलब पैकेज के साथ जाता हूँ,
कि कौन से पैकेज में ज़्यादा चीज़ें मेरे को और एक्स्ट्रा मिल रही है। एंड इधर आपको Redmi Note 10 के अंदर काफ़ी तगड़ा डिज़ाइन मिलता है एंड आपको काफ़ी लाइट वेट प्लस आपको स्लिम फोन भी मिल जाता है। वहीं बात करते अपने मोटो की, तो आपको बड़ी डिस्प्ले मिलती है, तो अगर आप लोग को बड़ी डिस्प्ले पसंद है ना, आपको इसकी डिस्प्ले पसंद आने वाली है। उसी के साथ इधर आप लोग को 120 हर्ट्ज़ का अच्छा खासा रिफ्रेश रेट मिलता है। इधर आपको IPS पैनल मिलता है, ये थोड़ी सी कमी लगी कि भाई सुपर एमोलेड के आगे IPS थोड़ा सा फीका रह ही जाता है। एंड उसी के साथ आप लोग को मोटो के फ़ोन के अंदर ऑन पेपर बेटर कैमरा मिल जाता है। इधर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है एंड आपको सेल्फी बेटर मिलती है, इधर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। एंड रही बात प्रोसेसर की, तो भाई आपको प्रोसेसर भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है। इधर आपको स्नैपड्रैगन का 732G का प्रोसेसर मिलता है। एंड वही बात करते हैं बैटरी की, तो भाई बैटरी के अंदर दोनों ही फ़ोन के अंदर अपने अपने प्लस पॉइंट जाते हैं। जैसे कि आपको Redmi Note 10 के अंदर आपको एक एवरेज साइज़ की बैटरी बोलूंगा, मतलब 5000 अब तो एवरेज ही हो गया है, तो आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। उसी के साथ आपको थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग मिलती है, आपको 33W की फास्ट चार्जिंग मिलती है। एंड भाई अपने मोटो के फ़ोन के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है एंड फास्ट चार्जिंग इतनी फास्ट नहीं बोलूंगा, बट हाँ आपको ठीक ठाक फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। वही बात करते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो भाई एक्स्ट्रा फीचर्स में एक प्लस पॉइंट अपने मोटो के पास बहुत तगड़ा जाता है कि इधर आप लोग को स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, जो फार बेटर आपको मिलता है MIUI से, तो मतलब फार 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 बेटर मिलता है, ना ही कोई ब्लोटवेयर्स, ना ही कोई एड्स एंड बग्स वगैरह के भी काफी कम इशू रहने वाले हैं। एंड उसी के साथ इधर आपको NFC का भी सपोर्ट मिलता है। बट वहीं अपने Redmi Note 10 के अंदर भी आपको कुछ कम एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिलते। इधर आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिलता है, जो आपको UFS 2.1 से थोड़ा सा बेटर आपको मिल जाता है। एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट्स का मिलता है, जिसकी आपको स्पीड काफी ज्यादा प्यारी मिलने वाली है एंड थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि मतलब साइड वाला एंड रियर माउंटेड अब के टाइम में थोड़ा सा पुराना सा लगता है। एंड उसी के साथ इधर आपको स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, जो आपको काफी बड़ी आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। एंड इधर आपको आयर ब्लास्टर मिल जाता है, जो NFC से ज्यादा काम आता है मेरे हिसाब से, तो मतलब मैक्सिमम लोगों के लिए। एंड इधर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन एंड डेडिकेटेड स्लॉट भी मिल जाता है। तो अगर आप लोगों का बजट है 15000 का एंड आप लोग कोई ऐसा फोन देख रहे हो जिधर आपको मतलब अच्छा रिफ्रेश रेट चाहिए, आपको गेमिंग के लिए अच्छा फोन चाहिए, आपको बढ़िया प्रोसेसर चाहिए, आप लोग को स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, आपको कोई भी फालतू के ब्लोटवेयर वगैरह नहीं चाहिए, तो आप लोग मोटो के फोन की तरफ बिल्कुल जा सकते हो। आपको काफी सही फोन मिलता है एंड कैमरा भी आपको अच्छा मिल जाता है, मतलब जितना आपको नंबर मिल रहा है उस हिसाब का तो आउटपुट नहीं मिलेगा, बट आपको अच्छा मिल जाएगा आउटपुट, ये बात तो है। एंड वही अगर आप लोग ऐसे कंटेंट वगैरह ज्यादा देखते हो तो आप लोग Redmi Note 10 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इधर आपको सुपर एमोलेड पैनल मिलता है एंड आपको दिखने में फोन अच्छा चाहिए, देन आप लोग इस फोन की तरफ जा सकते हो। अगर आपको हल्का फुल्का सा फोन चाहिए, देन आप लोग इस फोन की तरफ जा सकते हो। एंड अगर आप लोग को स्टीरियो स्पीकर वगैरह IR ब्लास्टर वगैरह आप लोग की रिक्वायरमेंट है, देन आप लोग Redmi Note 10 की तरफ जा सकते हो। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई आपको दोनों में से कौन सा फोन बढ़िया लगा है, बाकी आपकी कुछ भी राय वगैरह आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। मिलते हैं किसी ओपी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।